अफ्टरनून एवरीवन, आप लोग का रिजल्ट जो है इस प्रकार है, तो आप लोग देख लीजिए। सब लोग अपना अपना रिजल्ट देख पा रहा है? जैसे मैं एक बार बता दूं सबको अपना अपना रिजल्ट। अभिनीत कुमार पाठक 36 नंबर है इनका, अजीत कुमार 42 नंबर है, आकाश कुमार 24 नंबर है, अखिलेश कुमार 28 नंबर है, अमित कुमार 28 नंबर है, अंजलि कुमारी 36 नंबर है, अंकित राज 24 नंबर है, अंकुश कुमार 38 नंबर है, अंकुश कुमार 20 नंबर है, अविनाश कुमार 28 नंबर है, विक्की कुमार 30 नंबर है, चंदन कुमार 26 नंबर है, चंदन शर्मा इनका बहुत कम नंबर है, मतलब 14 नंबर है या फेल हो गए हैं, दीपक कुमार 26 नंबर है, देवेंद्र पांडे 14 नंबर है। देवेंद्र पांडे आप अपना परफॉर्मेंस सुधारिए। गौतम कुमार 26 नंबर है, गौतम कुमार 30 नंबर है, हिमांशु राज 42 नंबर है, जयमंती माला कुमारी 40 नंबर है, जयराम कुमार 30 नंबर है, कश्मीर 22 नंबर है, कौशल कुमार 22 नंबर है, कौशनंदन कुमार 46 नंबर है, लकी कुमार सिंह 48 नंबर है। आज का जो हाईएस्ट नंबर है वो 48 नंबर है जो लकी कुमार सिंह का है। मंटू कुमार 18 नंबर है, ये फेल हो गए हैं। एमडी आजम 2 नंबर है, ये भी फेल है। एमडी दिलशाद 22 नंबर है, एमडी दिलशाद 28 नंबर है, एमडी फैजा आलम 26 नंबर है, एमडी जावेद 18 नंबर है, फेल हो गए हैं। एमडी जुनैद 34 नंबर है, पास है। एमडी महताब आलम 30 नंबर है, पास है। एमडी नदीम अख्तर 30 नंबर है, एमडी जाहिद 24 नंबर है, मिराज अहमद 12 नंबर है, यह फेल हो गए हैं। मोहम्मद अकबर 28 नंबर है, मोहम्मद अखलाक अहमद 22 नंबर है, मुन्ना कुमार 20 नंबर है, नरेंद्र कुमार 48 नंबर है। अभी तक दो आदमी का 48-48 नंबर मिला, एक जो है लकी कुमार सिंह और दूसरा नरेंद्र कुमार, है ना। नवीन कुमार 18 नंबर है, नवीन कुमार 22 नंबर है, नीतीश कुमार 32 नंबर है, निवास कुमार 42 नंबर है, प्रदीप कुमार इनका 0 नंबर है, प्रमोद कुमार 34 नंबर है, प्रिंस कुमार 32 नंबर है, पुरुषोत्तम 24 नंबर है, पुरुषोत्तम सिन्हा 22 नंबर है, पुष्कर कुमार 32 नंबर है, राजेश कुमार 40 नंबर है, राजहंस त्रिपाठी 34 नंबर है, रमेश कुमार दास 28 नंबर है, रंजन कुमार 38 नंबर है, रविंश कुमार 26 नंबर है, रोशन कुमार 22 नंबर है, संतोष चौधरी 28 नंबर है, संतोष कुमार मलंकार 26 नंबर है, साकिब जावेद 24 नंबर है, सालू कुमारी 46 नंबर है, शुभम कुमार 24 नंबर है, शुभम कुमार 28 नंबर है, सोनू कुमार 42 नंबर है, सोनू कुमार 24 नंबर है, सुमांत कुमार 20 नंबर है, सूरज कुमार 34 नंबर है, सूरज कुमार 32 नंबर है, विकास कुमार 36 नंबर है, विवेक कुमार 22 नंबर है, और विवेकानंद उपाध्याय जो है 38 नंबर है, और योगिंदर कुमार 24 नंबर है। जिनका जिनका 40 से ज़्यादा नंबर है उनको जो है उनके लिए अच्छा है, वे कोशिश करें कि 50 में 50 नंबर आए, और जिनका 40 से कम है वे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करें, और सबसे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है जो लोग फेल हो गए हैं, जो लोग फेल हो गए हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत आगे चल के जो है। मेरा कितना नंबर है सर? है ना, अभी तो बताए आपका 42 नंबर है ना, तो आगे चल के आप लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा होगा, तो प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोग जो है स्टार्टिंग से मेहनत करना शुरू किए तो आज उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है ना, और वो आगे ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, और कुछ लोग जो है मेहनत नहीं किए तो उनको जो है उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं जो लोग अच्छा नंबर नहीं ला पा रहे हैं वे लोग और मेहनत करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग मेहनत कीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्या है पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी कोई जो है हार्ड नहीं है, इजी है, सब पूरा याद किया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का बार बार पढ़े हैं इसको, इस प्रकार से क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित द्रवों में
हाँ ये है क्वेश्चन, आप लोग का मिक्स क्वेश्चन है, पूरा सिलेबस का क्वेश्चन है यह। निम्नलिखित दरों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो दिया गया है उसमें से पानी की अपेक्षा पारा का जो है, ऊष्मा का जो है यह बहुत अच्छा चालक है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है उसे क्या कहते हैं? तो उस पॉइंट को हम कहते हैं गलनांक पॉइंट, है ना। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ जो है ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है उसे हम कहते हैं गलनांक पॉइंट। अगर इसी में पूछ दे कि कोई द्रव जो है ना, द्रव जो है गैस में परिणत होता है तो क्या कहते हैं? आप लोग मुझे कोई बता सकता है, द्रव गैस में चेंज होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? बताइए, उसको बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, है ना, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, वाष्पीकरण सर। हाँ, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे कहते हैं क्वथनांक, है ना। यही क्वेश्चन आगे आ गया। सूर्य की सतह का तापमान होता है 600 केल्विन। सूर्य का जो सतह का तापमान होता है वह 600 केल्विन होता है, 6000 केल्विन होता है, हाँ 6000 केल्विन होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण जो है मिट्टी का घड़ा जो होता है उसमें जल जो है ठंडा रहता है, वाष्पीकरण के कारण। सूर्य का ताप मापा जाता है तो पायरोमीटर जो है, पायरोमीटर के द्वारा है सूर्य का तापमान जो है मापा जाता है। चांदी के ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं चांदी का जो है ऊष्मीय चालकता तांबे की अपेक्षा अच्छा है, अधिक है, जिस कारण उसमें कंडक्टर जो करंट भी जो है बहुत ज्यादा जो है अच्छा से फ्लो करता है। इसी में अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि आप लोग बताइए कि तांबा और चांदी में जो है किसमें अच्छा करंट फ्लो करता है, आप लोग मुझे कोई बता सकता है तांबा और चांदी में करंट अच्छा किसमें फ्लो करेगा? तांबा में। आप लोगों को इतना बता बता के थक गए कि चांदी जो है तांबे की अपेक्षा करंट जो है अच्छा उसमें फ्लो करता है। हाँ ये बोल सकते हैं आप कि उसका यूज कम हो गया है ना, तो उसका यूज कम काय हो गया है, तो उसका यूज जो है बहुत महंगा होने के कारण उसका यूज कम हो गया है। अगर जहाँ पे हम अभी एल्युमिनियम चल रहा है, एल्युमिनियम के स्थान पर हम कॉपर का यूज करें तो बहुत अच्छा होगा, और कॉपर के स्थान पर अगर हम सिल्वर का यूज करें, है ना, तो वह उससे भी अच्छा होगा। सिल्वर का यूज करें अगर हम तो वह उससे भी अच्छा होगा, लेकिन वह बहुत महंगा है। फिर भी बहुत ऐसा पॉइंट है जैसे कॉन्ट्रैक्टर, है ना, यदि अभी जहाँ कॉन्ट्रैक्टर का यूज किया जाता है वहाँ पे सिल्वर का ही यूज किया जाता है, दूसरे का यूज नहीं किया जाता है ना। तो अगर कोई पूछे या कहीं क्वेश्चन आए चांदी और तांबे में जो है करंट किसमें अच्छा फ्लो करता है, तो आप लोग बोलेंगे चांदी में, है ना, सिल्वर में। उसके बाद अगर जो है अगर एल्युमिनियम और कॉपर में पूछता है तो आप लोग कॉपर को एक्सेप्ट करेंगे, यानी कॉपर में ज्यादा फ्लो करता है। अगर एल्युमिनियम और आयरन में पूछता है तो आप लोग बोलेंगे कि एल्युमिनियम में ज्यादा करता है, आयरन में कम करता है, इसी प्रकार से, है ना। तो कम करता है इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही करंट कम फ्लो करेगा तो आपका क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने की विधि नहीं है, तो स्पीडोमीटर द्वारा जो है हम लोग अपेक्षित घनत्व ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अपेक्षित घनत्व जो है आर्किमिडीज के नियम के अनुसार ज्ञात करेंगे या हाइड्रोमीटर से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इस्पात बनाने की सबसे उत्तम विधि है, तो इस्पात बनाने की जो सबसे उत्तम विधि है विद्युत आर्क भट्टी में जो आपका इस्पात स्टील बनता है वह सबसे आसान विधि है और अच्छा विधि है। इसमें इलेक्ट्रोड रहता है भट्टी में,
उसमें करेंट को सप्लाई दिया जाता है और उसको गर्म करता है, टेम्परेचर जो है हाई करता है। उष्मा के संचरण की विधि है उपरोक्त सभी, जिस संवहन जो है दिया गया होगा जितना भी दिया है उपरोक्त में से सभी जो है आपका उष्मा का संचरण का विधि है। आगे जो है पर है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी। एज फॉर एग्जाम्पल टेबल फैन है ना, और कमरा जो है बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, पंखा जो है कमरा जो है कमरा का जो हवा होगा वह उसी हवा गर्म हवा ही वह पंखा खींचेगा, वो उसी हवा को वह फिर छोड़ेगा, प्रेस करेगा नीचे आएगा, तो जो वह कमरे का जो तापमान होगा वह गर्म हो जाएगा यानी ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म हो जाएगी, है ना। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम इतना क्वेश्चन में किसी को? नहीं सर, नहीं। आज का क्वेश्चन जो है सब थ्योरेटिकल है, जो आप लोगों को तो 50 में 50 नंबर लाना चाहिए था, खैर एक दो आदमी वहां तक तो पहुंच गए, कुछ लोग उसके पास तक पहुंच गए थे, 48 नंबर 46 नंबर ला रहे हैं, और कुछ लोग बहुत पीछे रह जा रहे हैं, इसलिए मेहनत करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा, तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, है ना। रेफ्रिजरेटर का जो गेट है उसको खुला छोड़ दिया है तो कमरा जो है धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों देते हैं? उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परिवर्तित करते हैं, है ना, अवशोषित नहीं करते हैं प्रकाश जो है। काला कपड़ा जो होता है यानी काला कपड़ा ही नहीं, कपड़ा काले रंग जो होते हैं वे प्रकाश के क्या अवशोषित कर लेते हैं, है ना। जैसे प्रकाश को अवशोषित करेंगे तो वह उसमें जो है हीट करना शुरू कर देगा, तो गर्मी जो है ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन व्हाइट जो होता है यानी उजला रंग जो होता है वह प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित नहीं करता है, है ना, सीधे जो है वह परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है, तो क्या करता है ऊंट जो होता है अपने शरीर के तापमान को क्या करता है वह 42 डिग्री जो है तक कम कर लेता है, मतलब टेम्परेचर जो है वह अपने शरीर का तापमान जो है वह कम कर लेता है, इसलिए उसको राहत महसूस होता है। जब आप लोग म्यूट हो जाइए, अगर किसी का अनम्यूट है तो म्यूट हो जाइए, हेलो आप म्यूट हो जाइए। आप हिमांशु राज रेडमी लोग जो नाम नहीं लिखे हैं लोग म्यूट हो जाए। चलिए आगे देखते हैं, और सभी लोग अपना फोटो और नाम जरूर लिखेंगे, क्योंकि आपका अटेंडेंस यहाँ बनेगा उसके साथ आपका असेसमेंट हो रहा है ना, आपका कितना परसेंटेज मार्क्स आ रहा है यही परसेंटेज हम लोग एनसीबीटी को देंगे। अब आप लोग का नामे नहीं है तो आप क्लास भी किए फिर अब्सेंट हो जाएंगे, है ना, टेस्ट दिए टेस्ट नहीं दे रहे हैं, है ना। तो आप लोग जब ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें यही आपका असेसमेंट शुरू है और चल रहा है असेसमेंट, और आप लोग मानिए नहीं रहे हैं, तो आप लोग नाम फोटो जरूर लगाएंगे और टेस्ट जो है फोटो नहीं लग पाता है सर, टेस्ट जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे, यही आपका असेसमेंट हो रहा है इंटरनल असेसमेंट, जो यह आपका 200 मार्क्स मिलेगा यहाँ से, इसी का एवरेज जितना आएगा आपको दिया जाएगा एनसीबीटी को। आगे देखिए, जब किसी विद्युत हीटर को 230 वोल्ट मेन सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तो वह 7.5 एम्पियर विद्युत लेता है, उसके एलिमेंट का प्रतिरोध कितना है? तो मान लीजिए साधारणतः एक विद्युत हीटर है जो 230 वोल्ट सप्लाई से चल रहा है ना, और जब चलता है तो करंट जो है वह 7.5 एम्पियर लेता है, उसका एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस होगा वह कितना होगा,
तो यहाँ आपके ऑप्शन में है 30.67 जो सही होगा। यह एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आप लोगों में से ऐसा कोई है जो यह क्वेश्चन नहीं बना सकता है? इसमें से क्या निकालने के लिए कह रहा है कि रेजिस्टेंस निकालना है, एलिमेंट का जो प्रतिरोध है वह निकालना है ना। आप लोगों में से ऐसा कोई है जिनसे यह क्वेश्चन नहीं बनेगा? विदाउट हेजिटेशन के बोलिए। अगर नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगा, अगर सब लोग बना सकते हैं तो फिर अच्छी बात है। ऐसा कोई है जिनसे नहीं बनेगा? लोग बोलिए यस या नो, बता दीजिए। आगे बढ़ाइए सर, बन जाएगा सर। क्या भी कोई बोले हैं बता दीजिए, है ना। तो सबसे पहले जो है वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट और करंट क्या दिया है 7.5 एम्पियर। आर निकालना है ना। तो आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर इक्वल टू क्या करते हैं, वी बाई आई। वी कितना है 230 और आई कितना है 7.5। इसको जो है काटिए, जिन जो बोले कि हमसे नहीं बनेगा मतलब बना दीजिए ये बताइए, इसको काट के बताइए कितना होगा आंसर। हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए, कितना हुआ है? 30.67 है और कितना है? अब तो समझ में आ गया। अभी भी ऐसा कोई है जिनसे नहीं बनेगा? बन जाएगा सर, समझ गए। अच्छी बात है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है ना। कह रहा है क्वेश्चन कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है ना। जैसे जैसे ठंडा होगा तो वह सड़ते जाएगा, और जैसे जैसे कंजेस्टेड होगा उसका जो अणु अंदर है वह उसका जो स्पीड होगा वह कम होते जाएगा। अगर इसके विपरीत कहे जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो अणुओं की चाल क्या हो जाता है, तो क्या होगा बताइए आप लोग। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। गर्म होगा वह एक दूसरे से जो है बहुत दूर दूर भागना शुरू हो जाएगा। आगे जो है अगला क्वेश्चन है, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो द्रव और गैसों में जो है ऊष्मा का जो स्थानांतरण है होता है वो संवहन विधि द्वारा होता है ना। आप लोग में से कोई बता सकता है संवहन विधि किसको, एक दो एग्जांपल आप लोग में से कोई बता सकता है संवहन विधि जो है किसको बोलते हैं? देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में जब खाना बनता है तो आप घर के बाहर रहते हैं और जब खाना बनता है तो उसका स्वाद आपके पास पहुंचता है ना। वह जो विधि जिस विधि से उसका स्वाद जो है आपके पास पहुंचा वही तो है आपका संवहन मेथड के द्वारा आपके पास पहुंचा है ना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कुचालक है? तो अभ्रक जो दिया गया ऑप्शन है उसमें अभ्रक जो है एक कुचालक है। पिटवा लोहे का उत्पादन डैश में किया जाता है, तो कुटलित भट्टी में जो है पिटवा लोहा का उत्पादन किया जाता है। विद्युत बल्ब का पावर फैक्टर होता है, तो विद्युत बल्ब का जो पावर फैक्टर होता है वह यूनिटी पावर फैक्टर होता है। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं है ना। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है, तो सूर्य के जो चारों ओर जो पृथ्वी का गति होता है वो आपका वृत्तीय गति होता है ना।
सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार से संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण माध्यम से जो है सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी पर आता है, जो मीटर होता है वह विकिरण होता है। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं, तो सेल्सियस में पड़े हैं। जैसे जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो वह क्या हो जाएगा, वाष्प में चेंज हो जाएगा, है ना। और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा बर्फ बन जाएगा, है ना। तो हिमांक बिंदु क्या होगा, 0 डिग्री, और क्वथनांक बिंदु क्या होगा, 100 डिग्री, है ना। अगला क्वेश्चन है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों कटते हैं, है ना। तो साइकिल का जो ट्यूब होता है अधिकांशतः गर्मियों में इसलिए फटते हैं क्योंकि जैसे ही गर्मी आता है, गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित अणु जो होता है वह फैलना शुरू होता है, अलग अलग दूर दूर भागना शुरू कर देता है। इस फैलाव के कारण ट्यूब जो है फट जाता है, है ना। जैसे मैं इसके पहले जो क्वेश्चन था, जब इस पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो उसका जो अणु होता है क्या होता है, उसका चाल जो है कम हो जाता है, है ना, वो सटना शुरू हो जाता है। वैसे ही जैसे ही गर्म होगा तो उसका चाल बढ़ जाएगा और वो अलग अलग रहना शुरू कर देगा। वो अलग अलग रहने के कारण ही स्पेस ज्यादा चाहिए उसको, तो इसके कारण ही ट्यूब जो है फट जाता है ना। गर्मी के दिनों में ट्यूब जो है इसलिए फटता है क्योंकि उसमें उपस्थित जो अणु है वह फैलना शुरू कर देते हैं। इसमें से आप लोग जो है कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। इसमें आज का जितना भी क्वेश्चन है सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं था। आप लोग कोई क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। नहीं नहीं। और आप लोग जो है, तब हम विश्वास करें कि आप लोग जो है कल ज्यादा से ज्यादा लोग जिनका 40 से ज्यादा नंबर है वो अगले टेस्ट देंगे, तो उनका जो है आप 50 नंबर के आसपास आएगा, और जिनका जो है 40 नंबर से कम है वे 40 के ऊपर लाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का जो है आप लोग कोशिश कीजिए कि आंसर आए। क्या मैं ऐसा विश्वास करूं? यस सर। ठीक है, तो आज का क्लास जो है यहीं तक। ओके सर। और आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइए, खूब पढ़िए।